किले के पास आके सर जी, आज गुरु नानक देव जी के जो नगर कीर्तन के उपलक्ष्य में आज एक बड़ा विशाल नगर कीर्तन जो है गुरुद्वारा से निकला है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आप जी जीवन देख रहे हो, एक महान नगर कीर्तन हर साल की तरह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तो विचों कटे गए ने, जिथे विच आप जी बिना मजबूत मिलत हर व्यक्ति जोड़ा है बड़े ही प्यार दे नाल उत्साह दे नाल इस नगर कीर्तन के शामिल है। बिना मजबूत मिलत एक गुरु नानक पातशाह का संदेश सी, एक गुरु नानक पातशाह की कमाई है। सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। यह वड्डी कमाई कही सी, यह वड्डी कमाई यही सी कि ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये सारियां नूं गलवकड़ी विच लेन वाले ये गुरु नानक पातशाह, जिन्हां ने धर्म दियां जो वंडियां सन उन्हां तों उपर उठ के ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण, ये सोच देन वाले गुरु नानक पातशाह, जिन्हां ने संसार नूं सारियां नूं इकट्ठा करन दी कोशिश कीती। किधरे किधरे भी गुरु नानक पातशाह दे फलसफे च असीं नहीं देख सकते कि किधरे फोर्सफुल कन्वर्शन की गल की गई होवे, ना हरगिज़ नहीं। मुसलमान नूं अच्छा मुसलमान बनन की हदायत की, जो हिंदू वीर सन उन्हां नूं एक अच्छा हिंदू बनन की हदायत की कि सारे अपने अपने धर्मां दे उत्ते नेक नीति दे नाल चलणगे। धर्म जिहड़ा है ये कोई दिखावे की गल नहीं, ये कोई दिखावे के चिन्ह नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। वह मन की अवस्था जिहड़ी सी वह गुरु नानक पातशाह ने बनाने का यतन किया। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, ये सिद्धांत जिहड़ा सी ये संसार नूं दित्ता कि मन करके भी असी स्वच्छ होइए, तन करके भी स्वच्छ होइए, तां ये जो धार्मिक चिन्ह ने साडे शरीर के उत्ते शोभा देणगे। ते आओ असी गुरु नानक पातशाह का जो प्रकाश पुरब है जो 27 तरीक नूं गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दे विच मनाया जाएगा, सारिया संगतां प्रति बेनती है कि आप जी उत्थे भी समा कढ़ के उत्ते पुजो। मैं एक बेनती जरूर करा इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन दा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सहयोग दिता, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट चाहे वह PDD हो, PHE हो, म्युनिसिपैलिटी हो, सारे ही डिपार्टमेंट मैं कहूँगा सारे ने बहुत बड़ा सहयोग दिता है। पर एक थोड़ा जहा मैं जरूर गिला करांगा क्योंकि DC साहब ने कुछ गिने चुने व्यक्तियों का सानू सहयोग की लोड़ सी, वो इंप्लाई ने उन्होंने थोड़ा रिलैक्स करना सी। DC साहब ने आर्डर जरूर किया, पर जो साडे चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उन्होंने पता नहीं किस किस्म की सोच सी जा की सी कि उन्होंने रिलैक्टेंस जरूर शो की, और साडे काफ़ी नौजवान जिहड़े सन जो कि बहुत वड्डे वर्कर ने सेवादार ने गुरु घर के, उन्होंने रिलीव नहीं किया गया, उन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दी गई, और उन्होंने डेपुटेशन जे सन वो नहीं मने गए। मैं जरूर कहूँगा कि इस किस्म के वितकरे ना होवन, असी आप नाल होके 400-500 बंदियां दे डेपुटेशन सैंक्शन होए, सैकड़ियां दे हिसाब नाल, चाहे वह यात्रा होवे, चाहे वह मरम होवे, चाहे वह ईद होवे, चाहे वह गुरपुरब होवन, पर गुरपुरब के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा असी केवल तो केवल वह वीर जिहड़े कि सेवा करते हैं उन्होंने नाम जरूर देते हाँ, पर वह भी शायद किसी को पसंद नहीं आए। मैं DC साहब को जरूर बेनती करांगा कि जिस वेले आप जी आर्डर करते हो वो आर्डर इंप्लीमेंट नहीं होया तो फिर उस ऑफिसर भी जरूर पूछ करया करो कि की कारण सी, की सोच सी। साडे लोकल ऑफिसर भी उन्होंने नाल ने, वो भी उन्होंने शायद हदायत नहीं कर सके या उन्होंने कोई गाइड नहीं कर सके, और ये गिला जरूर असी कर रहे हैं। बाकी समुची संगत का मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ। बहुत करती खिमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी।